इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। खबर दिल्ली के गाजीपुर से है, जहां पर आज गाजीपुर बॉर्डर पर जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों में झड़प हो गई। इस झड़प में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए, तो वहीं दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। बीजेपी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के लिए ढोल बजा रहे थे, जिसका किसानों ने विरोध किया। उसके बाद हंगामा हुआ और जब अमित वाल्मीकि की गाड़ी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची तो किसानों ने उन्हें काले झंडे तक दिखाए और फिर लाठी डंडों से गाड़ी पर हमला किया। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। देखो भाई, ये यूपी गेट का सीन है। अत्याचार मचा रहे हैं, किसान प्रदर्शन, अत्याचार हो गया। देखो भाई, हमला हो रहा है यूपी गेट पे। तो गाजीपुर बॉर्डर से ये तीन अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से किसानों द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के शीशे तक तोड़े गए, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि बाद में जब राकेश टिकैत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे बीजेपी की उल्टा साजिश करार दे दिया। देखो भाई, ये यूपी गेट का सीन है। अत्याचार मचा रहे हैं, किसान प्रदर्शन, अत्याचार हो गया। देखो भाई, हमला हो रहा है यूपी गेट पे। तो गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आज जमकर हंगामा हुआ, किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में आपस में झड़प हुई और किसानों ने किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हमला किया, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए, हाथों में डंडा लिए गाड़ियों चलती गाड़ी पर हमला करते हुए ये नजर आ रहे हैं और कई गाड़ियों के शीशे इस झड़प के दौरान तोड़े गए। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता यूपी बीजेपी के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के लिए ढोल बजा रहे थे, जिसका किसानों ने विरोध किया और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। हमारे संवाददाता संजय शाह गाजीपुर बॉर्डर पर उस वक्त उस जगह पर थे जब यहां पर आज सुबह हंगामा हुआ, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भाजपा नेताओं के बीच जमकर झड़प हुई है और इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। सुबह का तकरीबन 10:30 बजे का वक्त था जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि को दिल्ली से गाजियाबाद पहली बार आना था इस पद पे उनको नियुक्ति के बाद, और उन्हीं के स्वागत के लिए भारी संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े थे और ढोल बजा रहे थे। तभी जैसे ही अमित वाल्मीकि की काफिला यहाँ पर पहुँचा है, तभी दूसरी तरफ से तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा कि किसानों का आंदोलन पिछले 7 महीने से यहाँ पर चल रहा था, उसी दौरान किसानों की तरफ से भी काफ़ी संख्या में लोग लाठी डंडे और काले झंडे लेकर यहाँ पहुँचे, जिसको लेकर दोनों तरफ से नोकझोंक हुई है और गाड़ियों के काफिले पर हमला किया गया, जिसके बाद अमित वाल्मीकि यहां से अपनी जान बचाकर भागे हैं। उसके बाद भी कई कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पूरी घटना के चश्मदीद हमारे साथ है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम महेश नेगी है। आप क्या नेगी जी, यहां पर क्या देखे, किस तरीके से क्या पूरा वाक्या हुआ? देखा जी, सुबह मैं 9:30 बजे यहाँ पे पहुँचा था। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो है अपने राज्य मंत्री अमित जी वाल्मीकि समाज के जो बने थे, उनके स्वागत के लिए हम एलिवेटर रोड के कोने पे खड़े थे। उनके स्वागत के लिए हम माला लेके खड़े थे, काफ़ी लोग 100-200 हमारे कार्यकर्ता थे। जैसे ही मंत्री जी सामने से आते हैं, इन लोगों ने पहले ही प्लान कर दिया होगा, हमें पता नहीं इन्होंने प्लान क्या किया। जैसे ही मंत्री जी की गाड़ी यहाँ पहुँचती है, सामने से 200-300 लोग ये आते हैं, हाथ में तलवारें डंडा लेकर के, लोहे की रॉड लेकर के, और सीधा आक्रमण करते हैं। हमारे मंत्री जी की गाड़ी, कई गाड़ियाँ तोड़ी गई, कई कार्यकर्ता को मारा गया, कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। मैं खुद नाले में जाके गिरा, मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, मैं खुद नाले में इन्होंने लात मार के नीचे गिराया सर। क्या केवल आक्रमण करना था, मतलब हमला करना था उन लोगों को, या फिर केवल अपना विरोध दर्ज कराना था? चूंकि वीडियो जो सामने आया है, उस वीडियो में वो लोग किसानों की तरफ से, जो किसान नेता है, वो सभी लोग काला झंडा लेकर आए यहाँ पर। नहीं, विरोध करना लोकतंत्र में जायज है, विरोध करना, काले झंडा दिखाना लोकतंत्र में है, परंतु किसी को मारना किसने जायज बताया आपको? किसने बताया? कई के सर फट गए, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, वो अधिकार किसने दिया आपको? पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इन सब को लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो रात दिन नशे में हैं, उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए।
जैसा कि ये चश्मदीद बता रहे हैं कि काफ़ी संख्या में किसानों की तरफ से लोग लाठी डंडा लेकर आए और यहाँ पर जो गाड़ियों का काफिला था उस पर हमला किया। और घटना के बाद मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि घटना के बाद यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे यूपी पुलिस की तरफ से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट की भी एक बार फिर से तैनाती कर दी गई है। और घटना के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई है, जिसकी पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन संजीव राणा के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर पर हुए इस हंगामे को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। सुबह कुछ बीजेपी का झंडा लेकर लोग आ रहे थे यहाँ, और वे पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रहे, झगड़ा करना चाहते हैं। पुलिस फोर्स भी बैठी थी, उन्हें कहती कुछ नहीं, व्याज नारेबाजी करते हुए जहाँ मंच है वहाँ तक वे गए, पत्थरबाजी उन्होंने करी। तो ये हो गया तलवार भी खोज के ले जाएंगे। अगर तलवार होती तो तलवार किसी के हाथ से तलवार खुजती है? तलवार तो जो गाड़ी में छुपा के जावे वो ही दिखाता है, लेकर भाग जा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।